खत्रीपुर बैराज से लगातार जल सैलाब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला पिछले 48 घंटों से जारी है। हालांकि अब पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 24 घंटों में हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा ये जो जल सैलाब है आगे और बढ़ सकता है। कोई क्लाउड बस्ट हो जाता है या फिर बादल फट जाता है तो ये चेतावनी कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोगों पर एक मुसीबत से कम नहीं होगी। हालांकि इस तरीके से लगातार बिना रुके 3,60,000 क्यूसिक पानी, अमूमन ये होता है कि पानी का बहाव कम या ज्यादा होता रहता है, लेकिन सुबह से जो बहाव एक जैसा बना हुआ है ये भी कहीं ना कहीं आने वाली मुसीबत और खतरे की घंटी है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ पानी के रूप में जल सैलाब का जाना जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर हिमाचल उत्तराखंड में बारिश होती है तो आज शाम तक ये पानी का बहाव कहीं ना कहीं 4,00,000 क्यूसिक को पार कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन सुजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, हथनीकुंड बैराज आज तक।